नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं साइबर सुरक्षा, फिर सुनते रहते हैं कि वहाँ साइबर हमला हुआ है, इस देश में हुआ है, उस देश में हुआ है, भारत में भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल इसी से संबंधित आपका लिखा गया है। तो देखेंगे आखिर किस संदर्भ में बात की जा रही है। साइबर साइबर अपराध होता क्या है आखिर, इस पर भी चर्चा करेंगे। साइबर अपराध सुरक्षा ढांचे की अधिक अद्यतनीकरण की आवश्यकता, यानी कि इसे सुधारने की आवश्यकता क्यों की जा रही है कि जिससे हमारा साइबर सुरक्षा सुरक्षित रहे। साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण की चुनौतियां क्या क्या हैं इसके सामने, उसे भी देखेंगे। और साइबर सुरक्षा की दिशा में हमारी जो सरकार है ये क्या प्रयास कर रही है और आगे की राह क्या हो सकती है प्रयास में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसका एक ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हुआ साइबर हमला है, जिसने शासन व्यवस्था की संचारी प्रणाली को बाधित कर दिया है। साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। आप एक बात समझ सकते हैं कि जब आपकी किसी देश से, जैसे अभी आपकी चीन से बुराई चल रही है बड़े हद पर, पाकिस्तान से आप ले सकते हैं, तो यहाँ जो साइबर अपराधी होंगे वो हमारे देश में घुसपैठ करने की जरूरत पड़ेगी। घुसपैठ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो खुद आके यहाँ बात करें। अगर आपकी साइबर सुरक्षा में अगर वो हमला करते हैं, आपके यहाँ कंप्यूटरों में जो भी सेवा, आजकल आप देख रहे हैं कि 80 से 85% और मुझे लगता है 90 से 95% सभी काम कंप्यूटरों पर होने लगे। फिर अंतरिक्ष क्षेत्र ले सकते हैं, शिक्षा का, सुरक्षा का, जो भी मुद्दा रहता है। अब रजिस्टर वाले वो काम खत्म हो गए कि रजिस्टर में लिखे जा रहे हैं, अब कंप्यूटर में हर कुछ फीड होता है। आप सोचिए कि दूसरे के कंट्रोल में आपका कंप्यूटर आ जाता है तो आपके कंप्यूटर में जो भी सुरक्षा, मतलब जो भी काम होंगे, काम की चीजें होंगी, वो निकाल सकता है ना। तो यही भी बात की जा रही है। अभी चीन से बुराई चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्ट बार चीन पर नहीं किया है, लेकिन उसका कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से उसने विरोध किया है चाइना का कोरोना वायरस के मामले में, तो उस पर हमला हुआ है। वो यही कह रहा है कि भारत पर भी एक हमला हो सकता है, आशंका है पूरी। भारत में पूर्व में भी बढ़ती आवृत्ति के साथ साइबर हमले होते रहे। उदाहरण के लिए 2016 में बैंक खाता धारकों की 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डेटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी विकास से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साइबर अपराध की अवधारणा भी विकसित हुई है। सीधा सा मतलब ले लीजिए कि आप फेसबुक पर किसी से पर्सनल बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल चैटिंग चल रही है आपकी, वो लीक हो जाए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके मोबाइल पर साइबर हमला हुआ है आपके सिस्टम पर, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनल जो चैट चल रही है किसी से भी वो लीक हो, समझ रहे हैं। और आप समझिए कि वो लीक हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, तो उसी की बात की जा रही है। उसी तरह से ये आपको आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है नुकसान, जो भी है। साइबर अपराध क्या है आखिर? साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि अभी भी लोग ठगने का काम इसी तरह से करते हैं। अभी भी गांव में कम जागरूक हैं लोग, तो उनके डेबिट कार्ड की जानकारी अभी भी लोग ले लेते हैं और ट्रांसफर पैसा, मतलब उनसे चोरी कर लेते हैं उनके अकाउंटों से। इस तरह से कई मामले आप सुनते रहते हैं, आपके वे फोन पर भी कॉल आते रहते हैं कि वो सर आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया, अपना ये बताइए वो बताइए। तो याद रखिए, बैंक कभी आपको कॉल नहीं करेगी। आपका अगर डेबिट कार्ड खत्म हो गया या बंद हो गया तो आपको खुद जाना पड़ेगा बैंक, तो इसलिए जागरूक रहिए इस मामले में, ठीक है।
साइबर अपराध के मामले में एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या फिर किसी डिवाइस को असक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी हम लोग जानते हैं, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या फिर नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है, जहां इनके कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या फिर नेटवर्क के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वहीं उन्हें इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। तो यही सभी साइबर अपराध में शामिल किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा ढांचे के अद्यतनीकरण की आवश्यकता के क्यों है? राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग साइबर कमांड को बढ़ाने की आवश्यकता के पक्ष में सैन्य सिद्धांतों में हो रहा परिवर्तन साइबर सुरक्षा रणनीति में बदलाव के महत्व को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में एक सक्षम साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर पहली बार कारगिल समीक्षा समिति 1999 द्वारा जोर दिया गया। आप एक बात समझिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या किसी भी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, उस पर चाइना उसे लीक कर ले तो क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि जो आपकी प्राइवेट बात है वो भी चाइना के पास पहुंच रही है, इससे आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। फिर आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्व, वर्तमान में भारत की कुल अर्थव्यवस्था के आकार का 14-15% भाग डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल है। वर्ष 2024 तक इसे 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य। आप समझिए कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन आप समझिए कि आपके यहाँ अगर सुरक्षा ना हो, साइबर सुरक्षा, तो कौन ऑनलाइन पेमेंट करने का साहस रखेगा? कोई नहीं, कुछ ही दिन बाद सब कुछ ठप हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है हमें कि डिजिटल यानी कि साइबर सुरक्षा को कम करना, यानी कि उस पर जोर देना साइबर अपराधों पर, और इसकी सुरक्षा अगर बढ़ जाती है तो हर कोई बेफिक्र होकर साइबर अपराधों से मुक्त रहेगा और अपना डिजिटल माध्यम अपनाएगा। एक जटिल डोमेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अधिक समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस एक जटिल डोमेन बन गया है जो तकनीकी व कानूनी प्रकृति की समस्याओं को जन्म देता है। डेटा संरक्षण की चुनौती, 21वीं सदी में डेटा मुद्रा के समान महत्वपूर्ण है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां गूगल, अमेजन यहां अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए डेटा संप्रभुता, डेटा स्थानीयकरण और इंटरनेट गवर्नेंस आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है। इस मामले में आपने देखा होगा कि जब आप 12th के पेपर देने जाते थे या अभी भी आप कहीं जा रहे हैं पेपर देने, आपका बाहर कई कोचिंग वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एक कोचिंग वाला नंबर आपका लिख के ले जाएगा और 50 कोचिंग के आपके पास मैसेज आएंगे, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके नंबर को उन्होंने बांट दिया है और आपके पास कोचिंग का मैसेज भेजने का मतलब है कि आप उसकी कोचिंग लें, उनका फायदा हो, ठीक है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वाईफाई के लिए कनेक्ट किया, मतलब कॉन्टेक्ट किया, एक नंबर मतलब मैंने केवल खोला था गूगल पर, उसमें मतलब मैंने केवल देखने के लिए खोला था, लेकिन पता नहीं मेरा नंबर कैसे फैल चुका, 5-10 का फोन आया मेरे पास, मैंने किसी को पर्सनल नंबर भी नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से भी फैल सकता है। पर साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण की चुनौतियां, मानव संसाधन की कमी, इस क्षेत्र के लिए आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का आभार है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की इसमें कमी है, विशेषज्ञों की।
कई विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में कम से कम 3 मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव। भारत में यूरोपीय संघ की तरह सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय या फिर अमेरिका की क्लेरिफाइंग लॉ फॉर ओवरसीज यूथ यूज ऑफ डेटा अधिनियम के तहत सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव देखा जाता है। विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली की में एकरूपता का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संगठन, जबकि भारत में केंद्रीय निकाय जो साइबर मुद्दों से निपटता है, इसलिए प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव नजर आता है। साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता। भारत में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है। यह भारत के साइबर स्पेस को राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य के अभिकर्ताओं से प्रेरित साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है। बाह्य चुनौतियां क्या हैं? सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिसमें भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं रहते हैं। आपको अभी बता दें कि कल ही आज ही की बात है कि मैंने सब जगह चल रहा है बाइकॉट चाइना। टिकटॉक का प्रचार एबीपी न्यूज है आपका, मैं आज ही देख रहा था उस पर न्यूज देखा मैंने खोलने के लिए, तो उस पर टिकटॉक का प्रचार किया जा रहा है, डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां एड में दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो एंकर बैठकर चिल्ला रहे हैं कि बाइकॉट चाइना और वही इसका प्रचार कर रहे हैं, तो केवल इसे जनता को भड़काने का अपना टीआरपी बढ़ाने का मुद्दा है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं रहता, समझ रहे हैं? अब आप चिल्ला रहे हैं कि वो चाइना पिछड़ गया है, चाइना ये कर दिया है, मुंह की खाली है चाइना, क्या कर रहे हो तुम, ये भ्रम फैला रहे हो। हकीकत क्या है, आप उनसे बात करिए जो वहां डटे हुए हैं, जो सैनिक वहां डटे हुए हैं, क्या हालत है, आप इससे किसी से छुपी हुई नहीं है, चाइना हमसे बहुत आगे है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि 1962 वाले हम नहीं रहे, तो 1962 वाला चाइना भी नहीं रहा है। और आप खुद जानिए कि आपके यहाँ डिफरेंस पर यानी कि रक्षा क्षेत्र पर 1% खर्च किया जाता है, वहाँ 4-5% खर्च किया जाता है। आपके यहाँ शिक्षा का अभाव देखिए, और आप सोचें कि हकीकत ये है, कड़वा सच है, आपको शायद बुरा लग सकता है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आपके यहाँ जिस फोन की आप बात कर रहे हैं, 5 फोन में से 4 फोन चाइना के चलाते हैं हम लोग, तो एकदम बाइकॉट चाइना का मतलब सामान को रोकना ना तो संभव है। और शायद आज आपको गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है, क्योंकि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज से 10-15 दिन 20 दिन बाद आप खुद समझ जाएंगे कि चाइना कितना बाइकॉट चाइना हुआ है, कितना सामानों का बहिष्कार हो पाया है। आज से पहले भी कई देशों ने इस तरह के कदम उठाए, लेकिन आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है। चाइना के खिलाफ आपका अमेरिका पहले उठा चुका है, उसके बाद आपने देखा है कि जापान उठा चुका है, जापान के खिलाफ अमेरिका ने उठाया था, ठीक है, उत्तर कोरिया के खिलाफ भी अमेरिका ने कई बार उठा, ईरान के खिलाफ भी इस तरह के मुद्दे छिड़े रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए एकाएक रोक पाना मुश्किल है हर चीज को। जो आप दवाइयों की दुहाई देते रहते हैं, इसका कच्चा माल आप चाइना से खरीदते हैं, और पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या हमारे कितनी निर्भरता है चाइना पर, तो इसलिए अंधभक्ति छोड़िए, मेरा कहने का मतलब है आप खुद अपने पास दिमाग है। अभी कल ही रिपोर्ट, परसों रिपोर्ट आई हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि अपने किसी जिसने भी छापी हो रिपोर्ट, कि हमारे यहाँ के 90-95% लोगों का दिमाग दूसरे के कंट्रोल में है, वो जैसा सोचने के लिए, जैसा कहने के लिए, जैसा करने के लिए कहते हैं, वैसा ही हम करते जाते हैं, अपनी मतलब दिमाग अपना तरफ से कुछ सोचना बंद है हमारा। किसी ने एक मैसेज भेजा कि ये हो गया, वो आग की तरह फैल जाएगा, ठीक है, और क्या करेंगे हम, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देंगे तुरंत, तो मतलब हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, दूसरा हमारे दिमाग को चला रहा है, वही चल रहा है। साइबर सुरक्षा की दिशा में किए गए सरकार के प्रयास। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर हमलों के प्रभाव से निपटने के लिए पर्याप्त थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 46A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F
और 67, 67A, 70, 72, 72A, 74 हैकिंग के साइबर अपराधों से संबंधित हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत अति संवेदनशील सुरक्षा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदन सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद या फिर दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा और जागरूकता परियोजना प्रारंभ की हुई है। साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम को नोडल एजेंसी बनाई गई है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? जागरूकता में वृद्धि, व्यापारिक संगठनों और सरकारी प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाले डिजिटल वारफेयर हैकर्स के विरुद्ध ठोस उपाय के लिए भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे। इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि करनी होगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेली डिजिटल वारफेयर की प्रति रक्षित नहीं है। मौजूदा साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, राष्ट्रीय समन्वय केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं को कई गुना मजबूत करने की आवश्यकता है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को शामिल करना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण और संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण, मोबाइल फोन और दूरसंचार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को वर्ष 2030 तक एक व्यापक समग्र नीति के निर्माण हेतु प्रभावी रूप से सहयोग करना होगा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कॉल आता है या फिर आपके पास जीमेल आता है इस तरह के, तो आप उन्हें ना खोला करिएगा, हटा दिया करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर बैंक से अगर जीमेल आता है या फोन आता है तो मुश्किल से आएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बैंक आपको कॉल करेगी इसके लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो चुका है। वो आपको ही निपटना होगा उससे, ठीक है? और थोड़ा अपनी तरफ से सोचा करिएगा, दिमाग लगाया करिएगा। आप समझ सकते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हो गया है, 1949 में जाकर आपका चाइना आजाद हुआ है, और हमारा देश कहाँ पहुंच चुका है और चाइना कहाँ पहुंच चुका है। चाइना विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो चुका है और हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। सिर्फ यही कारण है। एक मुद्दा आपने देखा होगा, गरीबी का मुद्दा कब से उठा हुआ है? आजादी से। आज भी वो गरीबी बनी हुई है। इस तरह की आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ के नेता हमें बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो शायद अपनी रोटियां सेंकने के लिए आते हैं। मैं हमेशा से चिल्लाता आया हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण का फ्री कर देना चाहिए। और आप सोचिए, अगर आपको पढ़ा लिखा कर एक नौकरी लायक बना देते हैं तो आप अपना रोजगार खुद ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है 10 आदमी को अपना रोजगार खुद देंगे, समझ रहे हैं? लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं, उन्हें फ्री का खाना और अपना उड़ाना और चले जाना। इससे आप समझ सकते हैं कि 70 साल तक आप कांग्रेस को वोट देते आए, उसके बाद आप बीजेपी में लग गए। हो सकता है इसकी अंधभक्ति बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचे, फिर देश का कुछ भी हाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डिसाइड मुझे लगता है कि युद्ध चाइना से युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेना डिसाइड नहीं कर रही है। मुझे लगता है चैनलों पर बैठे हुए, एबीपी न्यूज पर बैठे हुए या फिर किसी भी न्यूज चैनल पर बैठे हुए ये एंकर डिसाइड करने लगे कि चाइना से युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए चाइना के खिलाफ, वो होना चाहिए चाइना के खिलाफ। हकीकत क्या है, वो सैनिक जीत रहे हैं। देखिए, सैनिक शहीद हुए हैं, जिनके परिवार से एक मेंबर गया हुआ है उनसे जाकर पूछिए कि दर्द क्या होता है। ये एंकर कभी नहीं समझते हैं दर्द को, ठीक है? तो अपनी सुरक्षा रखिए और भ्रमित मत होइएगा। कोई भी कुछ भी कह रहा है आप उसे मां मानिए। नेताओं और न्यूज चैनलों का ये हाल है कि इनकी बात पर कभी भरोसा मत कीजिए। सीधा अपने ऊपर डिपेंड रहिए और खुद शक्तिशाली बनिए, ठीक है? धन्यवाद।